कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि नोटबंदी और केंद्र द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने आम लोगों खासकर छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। गांधी ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद सामाजिक न्याय परिसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना जारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के उज्जैन शहर के वरिष्ठ नेता श्री कैलाश सूरी ने बताया कि पूरी कांग्रेस ने आज जो मेहनत की है और महासभा को सफल बनाने के लिए सभी का साथ रहा, जनता ने भी पूरा सहयोग किया। हमने ये 65,000 कुर्सियाँ लगाई थी, उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग मौजूद रहे और राहुल जी को सुना। वहीं कांग्रेस के तराना के विधायक श्री महेश परमार ने बताया कि 2023 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। वहीं दूर से भी आए लोगों ने भी राहुल जी की आम सभा को सुना और राहुल गांधी जी की तारीफ की। भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक प्रोग्राम आपने देखा, हजारों लाखों की संख्या हमारे साथी कांग्रेस परिवार के आम जन जनमानस, किसान, युवा, माता बहन, बुजुर्ग, छात्र, साथी सब लोग यहाँ उपस्थित थे और आपने खुद ही दबाव इस बात के ऐतिहासिक सभा रही भारत जोड़ने की, राहुल गांधी जी के कमलनाथ जी कैसा उत्साह सरकार बनेगी मध्य प्रदेश और देश में। 2024 में देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2023 में कमलनाथ जी पुनः मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे और किसानों को कर्ज माफी करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, माता बहनों का सम्मान बढ़ेगा। राहुल गांधी राहुल गांधी। हम लोग करीब नागदा से काफी संख्या में लोग आए हैं, समथिंग में भी काफी हम 50 से 70 लोग के साथ हैं। कैसा लगा आपको? बहुत शानदार। जो आज जो बातें हुई, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे आज देश जूझ रहा है, जो घटनाएं, जो परिस्थितियां देश में निर्मित हो रही है, आज वास्तविक राहुल जी ने उन्हीं मुद्दों पे बात की है। आज जिस प्रकार से देश का युवा, देश का व्यापारी, देश के सभी वर्ग के लोग आज परेशान हो रहे हैं, आज उन मुद्दों पर बात हुई और वास्तविक आज राहुल जी ने जो देश के मुद्दे हैं उनको फिर से खोल के रख दिया है कि आज हम सभी को सोचना होगा। आज जो सरकार बैठी हुई है, जो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, जो व्यापारियों की सरकार है, आज देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है, आज देश का युवा परेशान है, बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। आज जो बात होती है सिर्फ धर्म की बात होती है, अराजकता पर बात होती है, किंतु देश के जो जीवित मुद्दे हैं आज देखा जाए तो पढ़े पढ़े अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित युवा बेरोजगारी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, आज उनको सिर्फ धर्म के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, आज व्यापारी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। आज सभी देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, राहुल जी ने सभी मुद्दों पे बात की और कहीं ना कहीं आज की सभा को देखते हुए, आज की जो भीड़ को देखते हुए लगता है कि बहुत जल्द देश में प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या राहुल गांधी जिंदाबाद है? राहुल गांधी जिंदाबाद थे, राहुल गांधी जिंदाबाद। अकेले का कोई प्रयास नहीं था, उज्जैन शहर समस्त कांग्रेस समस्त कार्यकर्ता गणों ने इतनी दिन रात मेहनत, पदाधिकारियों ने अपने मार्गदर्शन दिए और जो असल काम था जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, उन्होंने बिल्कुल घर घर जाकर लोगों को सूचनाएं दी, बताया और जो हर वार्ड से जो दिल्ली शहर कांग्रेस की संभाली गई उसका भी काफ़ी प्रभाव रहा। पब्लिक के लिए बताया कि ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वो खुद के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, भारत देश की गरीब जनता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं कि जो भारत देश का गरीब जनता असहाय है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई आज की तारीख की नहीं हो रही है, वो गरीब व्यक्ति तो सुबह से शाम तक मजदूरी करके पैसे कमाता है और उसके बाद जब घर पर सामान लेके जाता है तो उसका सामान भी पूरा घर में बेचता है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। 200 रुपये लीटर का तेल, 110 रुपये लीटर का पेट्रोल और जिस प्रकार से अनाज के भाव बढ़े हैं, जिस प्रकार से गरीब आदमी की जरूरत है, ये वो गरीब आदमी ही जानता है और जहाँ तक उस गरीब आदमी की बात की आवाज़ को सुनने वाले की बात है तो उसको कोई आज के समय में जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण सरकारें चल रही है, आम जनता का सबसे ज़्यादा समर्थन रहा, आम जनता ने सबसे ज़्यादा राहुल जी को सुनने के लिए प्रयास करा, अपने सब काम छोड़ छोड़ के आए। आपने देखा होगा कि आज पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, बहुत उत्साहित थे लोग और राहुल जी की सभा मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी सफल है अभी तक की कोई भी सभा पिछले साल दो साल में उज्जैन में सत्ताधारी लोगों की जो सभा हुई है वो भी इतनी जोरदार नहीं हुई। निश्चित ही राहुल जी जिस यात्रा पे निकले हैं उस यात्रा को लोग पसंद कर रहे हैं और उस यात्रा की वजह से लोगों के मन में उत्साह है और
मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे भी इस यात्रा का सफलता का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और उज्जैन के सब कार्यकर्ताओं को प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी टीम जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया और खासकर मीडिया ने भी इस यात्रा के लिए जो अपना योगदान दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद।